हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मेरा नाम है विनीत और मैं सबको स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो बेटा, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास सिक्स का साइंस का चैप्टर वन। चैप्टर का नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड, ठीक है। और मैं ट्राई करूँगा इस बड़े से चैप्टर को एकदम छोटे से वीडियो में ख़त्म करना, ठीक है। देखते हैं पहले क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो जो जो चीज़ें पढ़ने वाले वो हैं, सबसे पहले पढ़ेंगे कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड से इंट्रोडक्शन देंगे, कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्या होता है। फिर पढ़ेंगे कंपोनेंट्स फॉर फूड क्या क्या होते हैं। फिर पढ़ेंगे बैलेंस डाइट क्या होता है। फिर पढ़ेंगे डेफिशिएंसी डिजीज क्या होता है, उसके किसी भी विटामिन की कमी से क्या क्या बीमारियां हो सकती है। उसके बाद पढ़ेंगे कि खाना बनाने की अच्छी अच्छी हैबिट्स क्या होती है, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन कंपोनेंट्स ऑफ फूड से, ठीक है। तो देखो, हर एनिमल, हर प्लांट और हर ह्यूमन बींग को जीने के लिए खाने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। कोई भी काम करने के लिए खाने की जरूरत पड़ती है। फूड सभी ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि नहीं। तो सारे प्लांट में, सारे एनिमल, सारे प्लांट, उनको खाने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। खाना हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। जो भी खाना हम खाते हैं उनके अंदर डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स मिलते हैं जिसको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट जो होते हैं हमारे बॉडी के प्रॉपर गोल ग्रोथ और हेल्दी बॉडी के लिए, हमारी बॉडी के प्रॉपर ग्रोथ और हेल्दी बॉडी के लिए, हेल्दी बॉडी के फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। अब देखो, जब हम खाना खाते हैं, खाने के अंदर होते हैं न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, ठीक है। जब वो खाना डाइजेस्ट होता है, ठीक है, उनको उसके डाइजेस्ट होने के बाद हमें मिलता है क्या? न्यूट्रिशन, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट अलग होता है, न्यूट्रिशन अलग होता है, ठीक है। न्यूट्रिशन क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो भी हमने खाना खाया है, जब वो पच जाता है, ठीक है, तो हम उसको इस्तेमाल करते हैं, यूटिलाइज करते हैं अपने ग्रोथ के लिए, ठीक है, और डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। उसी को क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिएंट्स क्या बोलते हैं? जो भी हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर है, हमारी बॉडी के प्रॉपर ग्रोथ के लिए और हेल्दी बॉडी के फंक्शनिंग के लिए जो भी चीज रिक्वायर्ड है उसको बोलेंगे न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। अब पढ़ेंगे कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है। इनके अलावा भी हमारे खाने में कुछ डाइट्री फाइबर्स होते हैं और वाटर की इंटेक हम करते हैं, वाटर का इंटेक करते हैं, ठीक है। अब हम लोग इतना चीज खा रहे हैं, ठीक है, हम खाना खाते हैं, है ना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, ये सब चीज़ें हमने पढ़ ली, हम ये हमारे खाने में ये सब चीज़ें होती है, ये हमें पता चल गया। लेकिन हमें खाने की जरूरत क्यों पड़ती है, ठीक है। सबसे पहला फीचर क्या है कि हमें एनर्जी चाहिए होता है किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी काम को करने के लिए एनर्जी चाहिए होता है, ठीक है, उसके लिए हम खाना खाते हैं। दूसरा, हमारे ग्रोथ के लिए, हमारे ग्रोथ के लिए क्या करते हैं? हम खाना खाते हैं, ठीक है। बच्चे की हाइट नहीं बढ़ती तो उसको हम क्या करते हैं? अच्छा डाइट देते हैं ताकि उसकी हाइट बढ़ सके, ठीक है। अब हमें जब चोट लग जाता है, देखना जो लोग हॉस्पिटल में होते हैं उनका डाइट एकदम अलग होता है हमारे नॉर्मल डाइट से, ठीक है, हमारे नॉर्मल डाइट से बिल्कुल अलग होता है, ठीक है। तो हमारे डैमेज बॉडी पार्ट्स या फिर कोई भी चीज हमारे बॉडी में चोट लग जाती है तो हमें उसको रिपेयर करने के लिए बोलता है डॉक्टर कि अच्छा खाना खाना है, सेहतमंद खाना खाना है, बाहर का नहीं खाना, ठीक है। और चौथा रीजन है कि लाइफ में कोई भी काम करने के लिए भी हमें, किसी भी लाइफ के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए हमें खाने की जरूरत पड़ती है कि नहीं। अगला है, हमारे पास अलग अलग टाइप के फूड होते हैं, है कि नहीं, हमारे पास अलग अलग टाइप के फूड होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास मेनली तीन टाइप के फूड होते हैं, ठीक है, उनके बेस पे कैटेगराइज कर रखा है। पहला होता है एनर्जी गिविंग फूड, दूसरा होता है बॉडी बिल्डिंग फूड और तीसरा होता है प्रोटेक्टिव फूड, ठीक है। अब एनर्जी गिविंग फूड के अंदर मेनली हमारे पास कार्बोहाइड्रेट और फैट्स आते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो हमें इंस्टेंट एनर्जी देते हैं, जिसको खाते ही हमें एकदम इंस्टेंटली हमें क्या मिल जाता है? एनर्जी मिल जाता है किसी भी काम को करने के लिए, ठीक है। फैट्स जो होते हैं वो हमारे बॉडी के अंदर स्टोर हो जाते हैं जिसको हम बाद में रीयूज कर सकते हैं, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट भी दो टाइप के होते हैं, सिंपल और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ऐसा ही फैट भी होता है, फैट होता है एक सैचुरेटेड और एक होता है अनसैचुरेटेड, ठीक है।
उसको आता है बॉडी बिल्डिंग फूड। बॉडी बिल्डिंग फूड के अंदर हमारे पास आता है प्रोटीन, ठीक है। तो प्रोटीन जो होता है हमें बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं, क्योंकि बॉडी की ग्रोथ के लिए और बॉडी के डैमेज पार्ट्स को रिपेयर करने के लिए हमें प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ही जरूरत होती है कि नहीं। आगे हमारे पास प्रोटेक्टिव फूड, तो प्रोटेक्टिव फूड किसे कहते हैं, ठीक है। तो प्रोटेक्टिव फूड में हमारे पास विटामिन और मिनरल्स आ गए, ठीक है, जो कि हमें बहुत सारी डिजीज से बचाते हैं, ठीक है। और जितने भी नए डिजीज आते हैं, जैसे हमारी बॉडी में हमें हमें बेरी बेरी हो गया, तो मतलब हमें विटामिन डी की कमी है। ऐसे ही हमें अलग अलग जब दिक्कतें होती हैं, आयरन की कमी हो जाती है, आयरन एक टाइप का मिनरल है, आयरन की कमी हो जाती है, हमें अनेमिया हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही जब भी हमें विटामिन और मिनरल्स की कमी होती है तो हमें अलग अलग टाइप की डिजीज हो सकती है, ठीक है। अब पढ़ते हैं कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड। तो हमारे पास चार कॉम्पोनेंट्स थे, मैंने बताया था, कार्बोहाइड्रेट उनमें से एक था। सबसे पहला था कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी को, ठीक है। दो टाइप के मेनली कार्बोहाइड्रेट होते हैं, एक होता है शुगर, एक होता है स्टार्च, ठीक है। शुगर, शुगर को हम सिंपल कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, ठीक है, जो कि जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, जैसे फ्रूट्स हो गया, हनी हो गया, और टेबल शुगर हो गया। टेबल शुगर मतलब जो हम घर पे यूज करते हैं। उसके बाद आ गया स्टार्च। स्टार्च हमारा एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है जिसको डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है, ठीक है। प्लांट्स के अंदर हमारे पास क्या होता है, स्टार्च, ठीक है। प्लांट्स एनर्जी को स्टोर करते हैं इसके फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में। हमारे पास स्टार्च के क्या क्या सोर्सेज हैं, तो हमारे पास चावल है, गेहूं है, कॉर्न है, पोटैटो है और ब्रेड है। ये सारे हमारे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के एग्जाम्पल हो गए। अगर हमें किसी भी खाने के अंदर कार्बोहाइड्रेट की प्रेजेंस को पता करना है तो उसके लिए भी एक टेस्ट है। हम फूड के अंदर आयोडीन को ऐड करेंगे, ठीक है। अगर फूड का कलर ब्लैक या फिर ब्लू में चेंज हो गया तो उसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट है, ठीक है। तो स्टार्च को चेक करने का मैंने प्रोसेस बता दिया कि हम उस खाने के अंदर थोड़ा सा आयोडीन मिक्स करेंगे। अगर आयोडीन बोल रहा हूँ, जो फूड है वो रेड ब्लैक या ब्लू कलर में चेंज हो गया तो वो क्या कर दिखाएगा कि खाने के अंदर स्टार्च है, ठीक है। अब जब हम खाते हैं खाने को, जब हम स्टार्च को खाते हैं, जब हम शुगर को खाते हैं, ठीक है, तो हमारी बॉडी जो होती है ना उसको फिर छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देती है, ठीक है। मान लेते हैं ये हमने एक चावल का टुकड़ा खाया, फिर ये हमारी बॉडी में जाके किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में, ठीक है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर बहुत टाइप की एंजाइम्स होते हैं जो उन बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स के, कार्बोहाइड्रेट के बड़े मॉलिक्यूल्स को तोड़ के ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं। और ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का सबसे लास्ट का एकदम स्टेप है, ठीक है। जब कार्बोहाइड्रेट टूट टूट के छोटा छोटा हो जाता है तो हमारे पास क्या बनता है, ग्लूकोज, जिससे हमें एनर्जी मिलता है, ठीक है। उसके बाद आ गया ये जो ग्लूकोज होता है, फिर बाद में हमारे ब्लड में क्या एब्जॉर्ब होता है और हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। अगला है हमारे पास फैट्स। देखो फैट और कार्बोहाइड्रेट दोनों का काम सेम है, दोनों ही हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो जो फैट्स होते हैं वो हमें दो गुना एनर्जी प्रोवाइड करते हैं एज कंपेयर टू प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। इसमें दिक्कत क्या है, हम फैट क्यों नहीं कंज्यूम कर सकते सर, ठीक है, हम फैट क्यों नहीं कंज्यूम कर सकते। तो बेटा ज़्यादा फैट कंज्यूम करने से हमें हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है, हार्ट अटैक का चांस बढ़ जाता है, ठीक है। और एक और दिक्कत है कि फैट जो होता है वो हमें हमारी बॉडी में धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है, ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट जो होता है इंस्टेंटली डाइजेस्ट हो जाता है। तो ऐसे फूड मैंने बताया, ऐसे फूड जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट और फैट होता है उसको बोलते हैं एनर्जी गिविंग फूड, ठीक है। मैंने बताया था कि फैट भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है सैचुरेटेड, एक होता है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड फैट वो होता है जो कि रूम टेम्परेचर पर सॉलिड स्टेट में रहे, और अनसैचुरेटेड फैट वो होता है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में रहे, ठीक है। अब सैचुरेटेड के एग्जांपल होते हैं बटर और घी, ये दोनों ही रूम टेम्परेचर पर एकदम सॉलिड स्टेट में रहेंगे, ठीक है। उसके बाद आ गया अनसैचुरेटेड। तो अनसैचुरेटेड में हमारे पास वेजिटेबल ऑयल हो गया जो कि हमारे घर में होता है, वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में रहता है, ठीक है। फैट हमारे पास दो मेन सोर्सेस से आता है, प्लांट और एनिमल से, ठीक है। तो प्लांट से हमें कहाँ आता है, तो प्लांट से हमें फैट ग्राउंड नट ऑयल के रूप में आता है, मस्टर्ड ऑयल के रूप में आता है, सनफ्लावर ऑयल के रूप में आता है, कोकोनट ऑयल, कैश्यू, सोयाबीन, इन सब के अंदर फैट
जो होता है उनकी मात्रा होती है। उसके बाद आ गया एनिमल सोर्स। तो एनिमल्स से कहाँ से हमारे पास फैट आता है, तो जो भी बटर, घी, मिल्क, चीज, एग योक, मीट, फिश, ये सब हम खाते हैं, ये सब हम खाते हैं, इन सब के अंदर ही हमें फैट मिलता है। ठीक है, अब बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा फैट हो जाता है तो हमारे को ये ओबेसिटी मतलब मोटापे के पास मोटापे तक लेके जा सकता है। अगर बॉडी के अंदर फैट की मात्रा बढ़ गई तो ये हमें क्या कर सकता है, मोटा कर सकता है। ठीक है, मोटे होने की वजह से क्या होगा, हमें हार्ट डिजीज के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ज्यादा ही बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब अगला कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड क्या है, प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन की जरूरत क्यों पड़ती है, मैंने बताया था ग्रोथ और बॉडी के रिपेयर के लिए प्रोटीन की जरूरत हमारी बॉडी को होती है। ठीक है, ऐसा कोई भी खाना जिसके अंदर प्रोटीन होता है उसको हम बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। ठीक है, बच्चों को जो प्रोटीन होता है वो बहुत ज्यादा ही मात्रा में चाहिए होता है। ठीक है, क्योंकि उनको बॉडी को ग्रो करने में प्रोटीन की बहुत ज्यादा ही रोल प्ले करता है। प्रोटीन जो होता है बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है बच्चों के रैपिड ग्रोथ के लिए। ठीक है, हमारी बॉडी में भी जितने ही मसल्स है, जितने भी ऑर्गन्स है, इवन कि हमारे जो ब्लड होता है वो सब किससे बना होता है, मोस्टली प्रोटीन की मदद से बना होता है। ठीक है, प्रोटीन हमारे पास दो सोर्सेस से आ सकता है। ठीक है, पहला होता है प्लांट, दूसरा होता है एनिमल। तो प्लांट सोर्सेस से क्या क्या आता है, तो पीज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, ये सारे ही प्रोटीन के सोर्स हैं। हाँ, बच्चे बोलेंगे सर ये तो फैट के सोर्स भी है, तो बेटा यही सेम फूड हमारे पास प्रोटीन का सोर्स भी होता है, क्योंकि सम अमाउंट में इनके अंदर प्रोटीन भी होगा, सम अमाउंट में इनके अंदर फैट भी होगा। ठीक है, उसके बाद एनिमल सोर्स क्या है, तो सेम वही मिल्क, चीज, फिश, मीट, चिकन, एग्स, ये सारे जो हमने अभी फैट्स में पढ़े वही सेम प्रोटीन में होता है। ठीक है, अब किसी भी फूड के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट है ये कैसे पता करेंगे। ठीक है, तो उस खाने को हम थोड़ा सा तोड़ के टेस्ट ट्यूब में डालेंगे, फिर उसके उस टेस्ट ट्यूब के अंदर पानी डाल के उस पानी को एक मिनट तक गर्म करेंगे। ठीक है, और वो गर्म करने के बाद उसको छोड़ देंगे, उसके बाद जब वो ठंडा हो जाएगा पानी, तब उसके अंदर दो ड्रॉप कॉपर सल्फेट और आयोडीन हाइड्रोक्साइड डालेंगे, और अगर उसका कलर वायलेट या फिर पर्पल में चेंज हो गया तो उसके अंदर प्रोटीन का मात्रा है। ठीक है, प्रोटीन प्रेजेंट है। फिर से सुन लो, टेस्ट ट्यूब है। ठीक है, फिर से सुन लो, देखो मान लेते हैं टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर हमने थोड़ा प्रोटीन डाला, फिर पानी डाला। ठीक है, पानी को हमने क्या किया, हीट कर दिया। ठीक है, हीट करने के बाद क्या किया, हमने इसको कूल किया। ठीक है, कूल करने के बाद हमने इसके अंदर क्या डाला, कॉपर सल्फेट CuSO4, और साथ में क्या डाला, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अगर ये सब डालने के बाद जो हमारा टेस्ट ट्यूब है उसका कलर, टेस्ट ट्यूब के अंदर जो लिक्विड है उसका कलर या तो पर्पल या फिर वायलेट हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि जो फूड है उसके अंदर प्रोटीन है वो प्रेजेंट है। ठीक है, अगला हमारे पास है विटामिन। तो मैंने बताया था बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, ठीक है, हमें विटामिन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, विटामिन हमें क्या करते हैं, हेल्दी रखते हैं, और अभी तक आई गेस हमारे पास 20 विटामिन है। ठीक है, अभी मैंने गूगल किया था तो गूगल पे 13 दिखा रहे थे। ठीक है, तो हमारे पास विटामिन भी दो टाइप के होता है, एक होता है फैट सॉल्युबल, एक होता है वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल क्या होते हैं, जो हमारे फैट के टिश्यूज में स्टोर होते हैं, ऐसे विटामिन जो हमारे फैट टिश्यूज में स्टोर होते हैं उनको बोलते हैं फैट सॉल्युबल। ऐसे कौन कौन से विटामिन है, तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। ये विटामिन ए, डी, ई, के ये हमारे फैट टिश्यूज में स्टोर होते हैं। ठीक है, उसमें से विटामिन डी जो होता है वो हमें कहां से मिलता है, सनलाइट से। उसके बाद आ गया हमारे पास वाटर सॉल्युबल। तो वाटर सॉल्युबल हमारे पास कौन कौन से है, तो विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B6, B12, फॉलिक एसिड और विटामिन सी। ये सभी हमारे बॉडी को रेगुलरली चाहिए होता है। ठीक है, रेगुलर बेस पे हमारी बॉडी को चाहिए होता है। कौन कौन सा, विटामिन B1, 2, 3, 6, 12। ठीक है, तो विटामिन B1, B2, B3, B6, B12। ठीक है, इसको कैसे याद कर सकते हो, तो 1, 2, 3, 6, 12, 1, 2, 3, 3, 2, 6, 6, 2, 12। ठीक है, उसके बाद हमें क्या चाहिए होता है, फॉलिक एसिड और विटामिन सी, ये हमारी बॉडी को रेगुलर बेसिस पे चाहिए होता है। ठीक है, और क्या हो सर अगर मैं इन विटामिन को कंज्यूम ना करूं। ठीक है, तो बेटा कुछ नहीं होगा, बस आपको थोड़ी सी बीमारी होगी। ठीक है, इनकी कमी की वजह से आपको डेफिशिएंसी डिजीज होगी और फिर आप कहां जाओगे, हॉस्पिटल जाओगी। ठीक है, तो देख लेते हैं पहले
कि कौन कौन सी बीमारियां होगी। सबसे पहले देखो विटामिन ए की कमी से क्या होगा, तो विटामिन ए की कमी से तुमको दिखना बंद हो जाएगा, ठीक है, विटामिन ए की कमी से दिखना बंद हो जाएगा और तुम्हारे जो दांत है वो उबड़ खाबड़ हो जाएंगे, बस ज्यादा कुछ नहीं होगा, ठीक है। और अगर तुम चाहते हो ऐसा ना हो तो अपने को क्या करना है, ग्रीन पत्तों वाली सब्जियां खाना है, ठीक है, पके हुए फल खाने हैं, गुआवा खाना है, मिल्क, लिवर, नट, टोमेटोज, ऑरेंजेस, कैरेट्स, ब्रोकली, वाटरमेलन, ये सब चीजें तुम्हें कंज्यूम करना है अगर तुम चाहते हो ये सब चीजें ना हो तो, ठीक है। अब विटामिन बी वन की कमी से हो सकता है बेरी बेरी, ठीक है, अब ये क्या है बेरी बेरी, ठीक है, तो आप इसका गूगल पे चेक कर लेना, इसकी फोटोज देखना आप, ठीक है, जब भी कोई बीमारी आप देखते हो तो उसकी फोटोज देखा करो, ठीक है। तो क्या क्या चीजें खानी चाहिए इसको हमें अगर बचना है इससे, तो बेरी बेरी से, तो इसके अंदर फ्रेश फ्रूट, पोटैटोज, स्वीट पोटैटोज, पीज, कॉर्न, कैश्यू नट्स, व्हीट, मिल्क, ब्लैक बीन्स, डेट्स, ठीक है, ये सब चीजें हमें खाना चाहिए। इसके बाद विटामिन बी टू आ गया, विटामिन बी टू कमी से क्या हो गया, स्लो ग्रोथ हो जाएगी और हमारे सो राइज हो जाएंगी, इसको इसकी कमी से हमें बचना है तो बनाना, हमें बनाना, डेट्स, मशरूम, ग्रेप्स, मैंगोज, पीज, पम्पकिन, पॉपकॉर्न, ये सब चीजें हमें खाना है, ठीक है। तो ये तो तुम्हारी बुक में भी दिया है, इसको आप पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद आ गया मिनरल्स, ठीक है, मिनरल्स क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं जिनके अंदर कुछ हमें सर्टेन एलिमेंट्स मिलते हैं, ठीक है, ये हमारे बॉडीज में कम मात्रा में चाहिए होता है, हमारे डाइट में ये जो मिनरल्स होते हैं वो हमें कम मात्रा में चाहिए होते हैं, लेकिन ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा ही नेसेसरी होते हैं, ठीक है। इनकी कमी की वजह से क्या होता है, इनकी डेफिशिएंसी की वजह से हमें डेफिशिएंसी डिजीज हो सकता है, ये देखो यहाँ लिखा है एफिशिएंसी, ठीक है, इसको काट के लिख देना डेफिशिएंसी, इनकी कमी की वजह से हमें कह सकता है डेफिशिएंसी डिजीज, ठीक है। हमारे पास मिनरल्स भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है मैक्रो, एक होता है मैक्रो मिनरल, एक होता है ट्रेस मिनरल, इसको माइक्रो मिनरल्स कहते हैं। मैक्रो मिनरल्स वो होते हैं जो हमारी बॉडी को ज्यादा अमाउंट में चाहिए होता है, जैसे कि कैल्शियम हो गया जो कि हमें दूध से मिलता है, मैग्नीशियम हो गया और सोडियम और पोटासियम हो गया, पोटासियम जो कि हमें केले से मिलता है, ठीक है। ट्रेस मतलब माइक्रो मिनरल्स क्या क्या होंगे, तो जैसे कि हो गया आयरन, जिंक, कॉपर और आयोडीन, ठीक है, ये सब हमारे बॉडी को कम मात्रा में चाहिए होता है, ठीक है। तो मैक्रो मिनरल वो होते हैं जो हमारी बॉडी को ज्यादा मात्रा में चाहिए, जैसे कि कैल्शियम, इसीलिए हमारी मम्मी बचपन में बोलती थी कि बेटा दूध पिए करो। उसके बाद आ गया मैग्नीशियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद पोटासियम। उसके बाद माइक्रो मिनरल्स क्या हो गया, तो माइक्रो मिनरल्स वो मिनरल जो हमें कम अमाउंट में चाहिए होता है, जैसे कि आयरन हो गया, जिंक हो गया और कॉपर और आयोडीन, ठीक है। अब इनकी कमी की वजह से क्या हो सकता है, देखो विटामिन ए की कमी से हो सकता है, हमें दिखना बंद हो जाएगा, अभी थोड़ी देर पहले ही देखा हमने, पुअर विजन हो जाएगा, लॉस ऑफ विजन हो जाएगा, डार्कनेस, रात में हमें दिखाई नहीं देगा, ठीक है। फिर तुम बोलोगे अरे बाबा ये क्या हुआ, ठीक है, तो हमें कभी कभी पूरा दिखना ही बंद हो सकता है विटामिन ए की कमी से। विटामिन बी वन की कमी से क्या हो सकता है, मसल्स वीक हो जाएंगी, ठीक है, और हमें एनर्जी बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। विटामिन बी वन की कमी से क्या था, बेरी बेरी, ठीक है। उसके बाद क्या था, विटामिन सी, विटामिन सी की कमी से हो जाएगा स्कर्वी, स्कर्वी में क्या होता है, ब्लीडिंग गम्स होते हैं, ठीक है, और हमारे जो भी चोट होते हैं, जो भी वुंड्स होता है उसको ठीक होने में लंबा टाइम लग जाता है। विटामिन डी की कमी से हो सकता है क्या हो सकता है, विटामिन डी की कमी से हो सकता है रिकेट्स, ठीक है, इसके अंदर हमारे जो बोन्स होते हैं बहुत ज्यादा वीक हो सकते हैं, ठीक है। कैल्शियम की वजह से क्या हो सकता है, कैल्शियम की वजह से हमें बोन और जो टूथ है, दांत और हमारे जो हड्डियां है वो जल्दी टूटने चालू हो जाएगी, ठीक है, तो इसके अंदर भी वीक बोन्स हो जाते हैं और जो दांत होते हैं वो जल्दी टूटने लग जाते हैं। आयोडीन की कमी की वजह से क्या हो जाता है, तो आयोडीन की कमी की वजह से तुमने देखा होगा कि लोगों के गले के नीचे बहुत बड़ा बड़ा फूल जाता है, उसको बोलते हैं गोइटर, ठीक है, तो ग्लैंड्स इन नेक अपीयर स्वेलन, ठीक है, तो गला जो होता है सूज जाता है, और बच्चों के अंदर जो होता है मेंटल एबिलिटी हो जाता है, मतलब बच्चे जो है मानसिक संतुलन, उनके मानसिक संतुलन हिल जाता है बच्चों का, ठीक है। उसके बाद आ गया अनीमिया, तो अनीमिया की कमी से हो सकता है हमें वीकनेस, कमी हो सकती है, कमजोरी, ठीक है, जिस खून खून की कमी हो जाती है अनीमिया वैसे तो। उसके बाद आ गया रफेज और डाइट्री फाइबर्स क्या होते हैं, देखो रफेज होता है ऐसे फाइबर्स मैटर होते हैं जिसको हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है, रफेज क्या होता है जिसको हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते। अब सर हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते तो हमारे खाने में हमें क्यों जरूरत होता है, ठीक है, तो पहले हमें ये पढ़ना पड़ेगा। तो हमारे जो रफेज होता है उसके अंदर एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट होता है जिसको हम सेल्यूलोज बोलते हैं, ठीक है, और सेल्यूलोज जो होता है वो सिर्फ प्लांट के सेल में होता है, ठीक है, प्लांट के सेल में होता है और इसको डाइजेस्ट करने में हमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है। ये हमें कोई न्यूट्रिएंट तो प्रोवाइड नहीं करता लेकिन हमारे खाने के अंदर एक मेन
वैल्यू इसी का है, खाना पचने के अंदर मेन वैल्यू इसी का है, ठीक है। तो यहाँ तो लिखा है कि इट हैज नो फूड वैल्यू, मतलब खाने इसको कोई खा के कोई आपको शरीर ताकत या कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन इसका प्रेजेंस जो होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे खाने के अंदर, ठीक है। इसको खा के हमें कोई ताकत वगैरह नहीं मिलता, लेकिन इसको खाने की वजह से हमारी हमारे जो इसके खाने का जो प्रेजेंस होता है हमारे खाने के अंदर, मतलब रफेज या फिर डाइटरी फाइबर का प्रेजेंस हमारे खाने के अंदर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब इसकी कमी होगी तो क्या होगा, कमी होगी तो क्या होगा सर, तो कमी होगी तो कुछ नहीं होगा बेटा, इसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, मतलब जब आप पॉटी करने जाओगी तो आपके पॉटी बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगा और पॉटी नीचे आने में फिर आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होगा, ठीक है। अगला है वाटर, तो सर जी पानी के बारे में क्या पढ़ेंगे, बेटा पानी ही तो है जो पूरा संसार चला रहा है, हमारी बॉडी के अंदर 70% पानी है, ठीक है। कोई भी बॉडी हमारी कोई भी चीज हमारी बॉडी के अंदर जाना है वो पानी से ही जाता है, कोई भी दवा खा लो, कुछ भी खाना खा लो, हर खाने के अंदर पानी का प्रेजेंस है बेटा, तुम चावल से लेकर रोटी ले लो, सब चीज के अंदर पानी होता है, ठीक है। अब पानी इंपॉर्टेंट किस लिए है, तो ये हमारी बॉडी को हेल्प करता है न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब करने में, ठीक है। ये हमें हमारे बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट मतलब मेंटेन करने में हेल्प करता है। तीसरा है ये हमारे बहुत सारे केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी के अंदर जब डाइजेशन होता है तो उसके टाइम और डाइजेशन के टाइम या फिर जब आप पॉटी करते हो जिसको एक्सक्रीशन कहते हैं उस टाइम पे हमें पानी की बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इन इसके डाइजेशन और एक्सक्रीशन के बीच में बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होता है जिसके लिए हमें पानी की जरूरत होती है, ठीक है। और पानी क्या हम सिर्फ सर पानी पी के ले सकते हैं, मतलब एक गिलास उठाया और मैंने पी लिया तो क्या इससे मुझे पानी की जो हमारी नीड है वो पूरी हो जाएगी, तो नहीं बेटा, ये तो हमें नॉर्मल एवरेज पानी है जो हमें पीना चाहिए 6 लीटर या फिर 5 लीटर जैसे रिकमेंड होता है, ठीक है। उसके अलावा भी हमें मिल्क फ्रूट्स वेजिटेबल्स जूसेस यहाँ से हमें पानी मिल ही जाता है, ठीक है। उसके आधार पर आ गया बैलेंस डाइट, तो सर आपने बोलता बैलेंस डाइट क्या होता है, तो बेटा जब हम जितनी भी चीजें हमने पढ़ी अभी तक विटामिन में विटामिन मिनरल्स और जितनी भी चीजें फैट प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट ये सब चीजें अब हमें अगर हमें सही प्रोपोर्शन में मिले तो जो भी हमारा खाना बनकर आएगा इन सब चीजों को इक्वल अमाउंट में बांटने पर जो हमारे पास खाना बन के आएगा उसी को हम बोलेंगे बैलेंस्ड डाइट, ठीक है। अब बैलेंस्ड डाइट क्या होता है, बैलेंस्ड डाइट इज फूड इनटेक दैट इंक्लूड्स ऑल द डाइटरी नीड्स, हमारे खाने का हमारे पाचन तंत्र की सारी आवश्यकताएं जब एक ही खाने के अंदर हो तो सही प्रोपोर्शन में सही मात्रा में उसी को क्या बोलेंगे बैलेंस्ड डाइट, ठीक है। बैलेंस डाइट के अंदर क्या क्या होता है, तो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट विटामिन मिनरल्स और पानी, ठीक है। तो बैलेंस डाइट जो होता है हमारी बॉडी को फिट रखता है और हमारी बॉडी के अंदर बीमारी होने से हमें बचाता है, ठीक है। अब डेफिशिएंसी डिजीज क्या होती है, डेफिशिएंसी डिजीज क्या होती है सर, कब से आप बोल रहे हो, ठीक है। जब भी हमारे फूड के अंदर किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है लंबे टाइम के लिए तो हमें क्या हो जाती है, कुछ बीमारी हो जाती है जिसको हम बोलते हैं डेफिशिएंसी डिजीज। डेफिशिएंसी का मतलब ही होता है कमी, ठीक है। तो जब हमें हमारे बॉडी के अंदर कुछ न्यूट्रिएंट्स की बहुत लंबे टाइम से कमी होती है उसकी वजह से हमें क्या हो सकता है डेफिशिएंसी डिजीज, ठीक है। अगर हमारे अंदर कार्बोहाइड्रेट या फिर फैट की कमी हो जाए तो हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी और स्टेमिना जो होता है वो दोनों ही कम हो सकता है, ठीक है। और हमारे अंदर अगर प्रोटीन कमी हो तो क्या हो सकता है क्वासिरकोर, ठीक है, जिसके अंदर, ठीक है, क्वासिरकोर हो सकता है डेफिशिएंसी प्रोटीन की वजह से, और मतलब हमारी मसल जो होती है मसल साइज छोटा हो जाएगा, आपका बॉडी जो पतला हो गया, ठीक है। और अगर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों ही खत्म हो जाए तो आप कमजोर भी हो जाओगे और क्या पतले भी दिखोगे, ठीक है, जिसको बोलते हैं मैरस्मस, ठीक है। उसके बाद विटामिन की कमी से मैंने बताई दिया नाइट ब्लाइंड हो सकती है, बेरी बेरी हो सकता है, अनेमिया हो सकता है, स्कर्वी हो सकता है, रिकेट्स हो सकता है, मैंने आगे दे भी रखा है ये आप पढ़ लेना, ठीक है, वीडियो को रोक के। अब देखिए आगे, अगर पानी की कमी हो सकता है, पानी की कमी होगी तो हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाएगा, डिहाइड्रेशन मतलब पानी की कमी की वजह से क्या होता है बहुत ज्यादा हमारे गले में सूखा सूखा महसूस होता है ना कि यार बहुत ज्यादा प्यास लग रही है, ठीक है। और मिनरल्स की कमी की वजह से मैंने बताई दिया अनीमिया, गोइटर, रिकेट्स और ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है, ये सब बीमारियां हमें हो सकती है। अब मैंने लास्ट हमारा पॉइंट पे आ गया जिसके जिस जो कि खाना बनाने की अच्छी आदत है, ठीक है। तो खाना बनाने की अच्छी आदतों में क्या है, तो सबसे पहला है कि खाने को कहीं भी ओवर हीट मत करो, ओवर कुक मत करो, इनकी वजह से क्या होता है जो हमारे खाने के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है, ये तो खत्म ही हो जाते हैं, साथ में एक्स्ट्रा कैलोरीज, कैलोरीज क्या आता है
जो जब हम खाना खाते हैं ना तो उसके बदले हमें एनर्जी मिलती है, इसको हम कैलोरीज में डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो ओवरहीट या फिर ओवर कुक करने की वजह से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं खाने के अंदर वो तो डिस्ट्रॉय होती हैं, बर्बाद होती हैं, साथ साथ एक्स्ट्रा कैलोरीज भी ऐड हो जाती है, ठीक है। देखो विटामिन सी जो होता है, जब हम ज्यादा खाना को ओवर कुक कर देते हैं तो विटामिन सी जो होता है खाने के अंदर से वो खत्म हो जाता है, ठीक है। खाने के अंदर एक्सेस बहुत ज्यादा मात्रा में पानी यूज करना भी क्या होता है, हमारे लिए खाना अच्छा नहीं हो गया, खाने में सब पानी पानी हो गया, सारे न्यूट्रिएंट्स बिखर गए, देखे तो, ठीक है। अब राइस और पल्सेस को हम बार बार अगर धोए, अगर हम राइस और पल्स दाल और चावल को बार बार धोए तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, सारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बाहर धुल जाते हैं, है ना। वेजिटेबल्स और फ्रूट को वॉश करना चाहिए बिफोर काटने से पहले ठीक है, ये तो हमें पता ही है, बचपन से सीखते हैं कि फलों को बिना धोए ना खाओ, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा चैप्टर हो गया खत्म, अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन आ गए जिसका आपको जवाब देना है, ठीक है। मैं 5 तक काउंट करूंगा और आपको जवाब देना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन, वट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन आर बॉडी, हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट का मेन फंक्शन क्या है। ऑप्शन है टू प्रोवाइड एनर्जी, ऑप्शन बी टू बिल्ड मसल्स, ऑप्शन सी टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिजीज, ऑप्शन सी टू हेल्प इन डाइजेशन। आपका टाइम स्टार्ट होता है 1, 2, 3, 4 एंड 5। आंसर है टू प्रोवाइड एनर्जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच विटामिन इज असेंशियल फॉर मेंटेनिंग गुड आई साइट, आई साइट के लिए हमारे कौन सा विटामिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई। टाइम स्टार्ट होता है अब 1, 2, 3, 4 एंड 5। विटामिन ए का आंसर है, मैंने ही थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, विटामिन ए की कमी से हमें क्या हो सकता है, नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है। अगला क्वेश्चन है कि डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी की वजह से क्या हो सकता है, स्कर्वी, रिकेट्स, बेरी बेरी या फिर नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। अब आप आंसर दो, टाइम स्टार्ट होता है 1, 2, 3, 4 एंड 5, और इसका आंसर क्या है, विटामिन डी कमी से क्या हो सकता है हमें, रिकेट्स, ठीक है। अगला हमारे पास एक और क्वेश्चन, को तो कौन सा न्यूट्रिएंट जो होता है वो मेनली हमारे फ्रूट और वेजिटेबल्स के अंदर होता है जो कि हमें कॉन्स्टिपेशन से बचाता है। ऑप्शन 1 प्रोटीन, ऑप्शन बी फैट्स, ऑप्शन सी डाइटरी फाइबर, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट्स। टाइम स्टार्ट होता है अब 1, 2, 3, 4 एंड 5। आंसर है क्या बेटा, ये फैट गलत है, आंसर है डाइटरी फाइबर्स, ठीक है। ये शायद हमने गलत लिख दिया था, फ्रूट और वेजिटेबल्स के अंदर डाइटरी फाइबर्स होते हैं, ठीक है। अगला, प्राइमरी फंक्शन ऑफ फैट क्या होता है, फैट का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है। ऑप्शन ए एनर्जी प्रोवाइड करना, ऑप्शन बी न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब करना, ऑप्शन सी डाइजेशन को एड करना, या ऑप्शन डी ए और बी दोनों, ठीक है। बताओ इसका आंसर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, ठीक है। अगला, यहां पे हमारा चैप्टर जो होता है वो खत्म हो गया, ठीक है। तो दी एंड हो गया चैप्टर का, ठीक है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर देना, और हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज में, ठीक है। तब तक के लिए सही बच्चों को जय हिंद।